जनबोल न्यूज प्रस्तुत करता है द कैंपस गूंज। यहाँ पर मौजूद तमाम छात्रों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। सबसे पहले जिस मुद्दे पर पूरा देश जल रहा है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी की घटना हुई, जिस तरीके से एक लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसको जला दिया जाता है, वो सिर्फ एक घटना नहीं है। आप अक्सर में देख लीजिए, रांची में जो लॉ की छात्रा के साथ हुआ है। और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कहां गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, कहां गया वो सारा वादा। आप पूछिए कि यही लोग जब कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मय दत्त को सत्ताधारी पद संरक्षण देते हैं और बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकालते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही भगवादारी है, ये वही संघीय फासिस्ट है जो उनके पक्ष में रैलियां निकालते हैं। शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को और शर्म करना चाहिए इस सरकार को। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों को सीधा सीधी सड़कों पर टक्कर देने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो पिछले बार छात्र संघ के ऑफिस में हिटलर की तस्वीर लगाते हैं। ये हिटलर की जाना चाहता है, ये हिटलर की दर्द औलाद है जिनको सड़कों पर जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ साथियों, हम देख ले, एक तरफ मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड में जो सत्ता पक्ष के लोग खुद इसमें पाए जाते हैं, किस हक से वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किस हक से वो बात कर रहे हैं कि वो छात्राओं के लिए काम करेंगे। एक तरफ हम बात करें तो इसी जंगल राज के काल में यही कैंपस सुरक्षित नहीं था, इसी जंगल राज के काल में यह कैंपस महिलाओं के लिए और भी बदतर था। और उसी से निकले लोग दूसरे संगठन बना के वो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं और अपने आप को लेफ्ट और प्रोग्रेसिव बताने वाले ये वामपंथी छात्र संगठन, ये अवसरवादी राजनीतिक गठबंधन कर रहे हैं, ये ऐसा गठबंधन कर रहे हैं कि इनको खुद शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जो अवसरवाद इन पे हावी है, ये सीधे तौर पे आप याद कर लीजिए, अजीत सरकार को किसने मारा था आप याद कीजिए। इसी की आलोचना करते हुए, गठबंधन की आलोचना करते हुए, जो लोग आज इस गठबंधन को गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ पिछले ही साल राजद के साथ गठबंधन करने वाले कौन लोग थे, कौन लोग थे जो चंदू के लिए जेएनयू में इनको गालियां देते हैं और यहाँ पर इनके साथ गठबंधन करते हैं। सीधे तौर पर दोस्तों, ये सारे चुनाव बाद पार्टियों के छात्र संगठन अपना ये नंगा नाच यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये नंगा नाच दिखा रहे हैं। एक आदमी पैसे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो छात्राओं को लुभाने के लिए पहुँच जाते हैं। आज वो लोग बात कर रहे हैं पूंजीपति की, आज वो लोग आलोचना कर रहे हैं पूंजीपतियों की जो खुद पूंजीपतियों के गोद में बैठते हैं, जिनकी सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम करती है। आज वो लोग बात कर रहे हैं पूंजीपतियों की सरकारों को चुनौती देने की। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों में हमारा मानना है, आए दिन इसी कैंपस में लड़कियों के साथ छेड़खानी कमेंटबाजी होती है। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, यह मेरा अनुभव है। यहाँ पर मैं खड़ी थी और मैंने इस चीज को अनुभव किया है, किस तरीके से बड़े बड़े चुनाव बाद पार्टियों के ये छात्र संगठन, जिनको न पुलिस का डर होता है न इनको प्रशासन का डर होता है, ये लोग ऐसी कमेंटबाजियां छेड़खानियां करते हैं। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं, आज एक क्रांतिकारी विकल्प को चुनने की जरूरत है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि एक एंटी सेक्शुअल हैरेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा, एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया जाएगा, विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि ऐसे किसी भी घटना पर एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया जाए। साथियों, दूसरी तरफ देश की ऐसी परिस्थिति है जहां पर एक तरफ छात्र सड़कों पर है अपने शिक्षा के मुद्दे को लेकर के, चाहे वो IIT हो, IIT हो,
को बेचा जा रहा है। और साथियों, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे यही पार्टियों के छात्र संगठन छात्र हित की बात करते हुए हमारे साथ अपने ही आपका पार्टी के विरोध में सवाल उठाएंगे, अपने ही आपका पार्टी के विरोध में संघर्ष करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी खुद की एक सीमा है। और आज इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आज एक विकल्प को चुनने की जरूरत है, एक ऐसा क्रांतिकारी विकल्प जो किसी चुनावबाद पार्टी से नहीं जुड़ा है। और आज हम ये मांग करते हैं कि इन तमाम संगठनों से जो एक अलग मांग है वो यह है कि हम इस विश्वविद्यालय प्रशासन से कहेंगे कि 10 साल पिछले 10 साल का अपने पब्लिक ऑडिट कराए। एक तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन लाखों रुपए खर्च कर देता है यहाँ पर 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम करने पे, दूसरी तरफ यहाँ पर मैथ को सी ग्रेड मिलता है, यहाँ पे कैंटीन तक नहीं खुली जाती है, शौचालय तक में सही व्यवस्था नहीं है। सीधे तौर पे हम बात कर रहे हैं, वीसी साहब कैसे हम छात्रों पे आरोप लगाते हैं कि यह हमारी गलती है कि पटना कॉलेज को सी ग्रेड मिला है। शर्म आनी चाहिए। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी अपना 10 साल का पब्लिक ऑडिट कराए और छात्रों के बीच यह जानकारी कर दे कि वो क्या किस पैसे को किस मद में खर्च कर रहे हैं। साथियों, आज तीसरी मांग हमारी है कि छात्र संघ के फंड को यदि हम चुन के आते हैं तो पूरा खुला करेंगे। यहाँ पर बहुत लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तमाम ऐसे मुद्दे बता रहे हैं जो छात्र संघ के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्या हालत है पूछ लीजिए, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आज हम मांग कर रहे हैं कि क्यों समान स्कूली शिक्षा नहीं है। साथियों, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपना पक्ष चुनना पड़ेगा। इन तमाम चुनावबाद पार्टियों के गुंडा गुर्गों के साथ आप जाएंगे, या क्रांतिकारी विकल्प के साथ आएंगे यदि आपको सही मायने में आजादी, न्याय, सच्चाई, स्वाभिमानता से बड़ी जिंदगी चाहिए, यदि एक सुरक्षित कैंपस चाहिए तो तुम्हें चुनना ही होगा। एक नए इंकलाब का परचम उठाना होगा और एक क्रांतिकारी विकल्प को चुनना होगा।